हेलो दोस्तों, स्वागत है आपका बॉलीवुड प्लस रूम यूट्यूब चैनल में। आज हम बात करेंगे फिल्म पीएम नरेंद्र मोदी की बॉक्स ऑफिस प्रेडिक्शन के बारे में, पर इससे पहले फिल्म की थोड़ी जानकारी ले लेते हैं। ये एक बायोग्राफिकल फिल्म है जो कि हमारे पीएम नरेंद्र मोदी की जीवन के आधार पर बना है। फिल्म में हमें मोदी जी की एक चाय वाले से लेकर प्राइम मिनिस्टर तक का सफर देखने को मिलेगा। फिल्म का फर्स्ट लुक जनवरी 2019 में रिलीज हुई और इस फिल्म को 23 अलग अलग लैंग्वेजेस में रिलीज किया जाएगा। फिल्म में नरेंद्र मोदी के रोल के लिए पहले परेश रावल को सिलेक्ट किया गया था, पर बाद में उन्होंने इस प्रोजेक्ट को ड्रॉप आउट कर दिया। तो अब विवेक ओबेरॉय नरेंद्र मोदी के किरदार में नजर आएंगे। इस फिल्म में रतन टाटा के किरदार निभाएंगे बोमन ईरानी और अमित शाह के किरदार निभाएंगे मनोज जोशी, जहां इंदिरा गांधी के किरदार में हमें किशोर शाहने नजर आएंगे। फिल्म का ट्रेलर 20 मार्च 2019 को रिलीज हुआ और तब से ही लोग इस फिल्म की बहुत ही बेसब्री से इंतजार कर रहे हैं। तो चलिए चलते हैं फिल्म की बॉक्स ऑफिस प्रेडिक्शन की ओर, पर इससे पहले कर लीजिए चैनल को सब्सक्राइब ताकि आप बॉलीवुड की कोई भी अपडेट्स मिस न करें। हालांकि ये एक छोटी बजट की फिल्म है, पर फिर भी मोदी जी के क्रेज को देखते हुए ट्रेड एक्सपर्ट्स का ये मानना है कि ये फिल्म अपने फर्स्ट डे में करीब 10 से 12 करोड़ आराम से कमा लेगा और अपने फर्स्ट वीकेंड में ही ये फिल्म टोटल 25 से 30 करोड़ कमा सकता है। तो दोस्तों, आपको क्या लगता है, क्या ये फिल्म ब्लॉकबस्टर हिट हो पाएगा? नीचे कमेंट्स में जरूर बताएं और ये भी बताएं कि क्या ये फिल्म आप देखने जाएंगे। अगर ये वीडियो आपको अच्छा लगा हो तो वीडियो को लाइक एंड शेयर जरूर करें और चैनल को सब्सक्राइब करें।